जय माता दी। नमस्कार मित्रों, आज मैं आपके समक्ष पुनः उपस्थित हूँ बगलामुखी पूजन पेंच पर। आज हम बात करेंगे माँ बगलामुखी की पूजन, हवन, अनुष्ठान इत्यादि कर्मों के बारे में। तो मित्रों, ऐसा माना जाता है कि माँ बगलामुखी 10 महाविद्या में अष्टम महाविद्या है, जिनका जो अवतरण है, जिनका प्राकट्य है भगवान विष्णु के साधना के बाद हुआ था। हरिद्रा सरोवर में वहाँ पर उनका जो है प्राकट्य हुआ था। उनको पीला ही सब कुछ चढ़ाया जाता है, पीताम्बरा उनको कहा जाता है। माँ भगवती बगलामुखी को सिद्ध विद्या भी कहा जाता है। माँ बगलामुखी के बारे में आज हम कई अन्य अन्य जानकारियाँ आपको उपलब्ध करवाएंगे। सर्वप्रथम हम देखते हैं माँ बगलामुखी का स्वरूप। माँ बगलामुखी का स्वरूप कैसा होता है? माँ बगलामुखी स्वर्ण के सिंहासन पर बैठी हुई है। एक हाथ में उनके मुद्गर होता है, एक हाथ में शत्रु की जिह्वा पकड़े हुए शत्रु का नाश कर रही है माँ भगवती बगलामुखी। ऐसी माँ बगलामुखी को पीले वस्त्र, पीले आभूषण, पीले पुष्प, पीली मिठाई इत्यादि अन्य अन्य पीले ही व्यंजन उनको चढ़ाए जाते हैं, और पीला ही उनको स्वादिष्ट व्यंजन उनको किसी भी प्रकार से अपन भोग लगा सकते हैं। इस प्रकार से माँ बगलामुखी की पूजन पीले वर्णों, पीले द्रव्यों से अपने द्वारा की जा सकती है। तो ये हुई भगवती को चढ़ाने की बात। अब भगवती का पूजन कैसे किया जाता है? तो भगवती का पूजन करने से पहले किसी भी अच्छे गुरु के मार्गदर्शन में ही उनका पूजन किया जा सकता है, उनकी साधना की जा सकती है। इनका एक 36 अक्षरीय मंत्र भी होता है बगलामुखी का, ओम ह्लीम बगलामुखी सर्व दुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वाम कीलय बुद्धिम विनाशय ह्लीम ओम स्वाहा। इस मंत्र का जप पीली हल्दी की माला से किया जा सकता है। किसी गुरु से दीक्षा लेने के बाद ही इनके मंत्रों का जप किया जा सकता है। इनके द्वारा शत्रुओं का स्तंभन किया जा सकता है। और इनका एक ध्यान होता है, ओम मध्ये सुदाब्धि मणिमंडप रत्न वेद्याम सिंहासनो परिगताम परपीत वर्णम पीताम्बराभरण माल्य विभूषितांगिम देवीम भजामि ततमुद्गर वीरिजिह्वाम जिह्वाग्रमादाय करेण देवीम वामेन शत्रुन परपीडयन्तिम गदाभिघातेन च दक्षिणेन पीताम्बराढ्यां द्विभुजां नमामि। इस प्रकार के अन्य अन्य कई ध्यान इनके बोले जा सकते हैं और पूजन में उपयोग किए जा सकते हैं। इससे भगवती प्रसन्न होती है और जल्द ही अपने साधक को दर्शन लाभ, पूजन लाभ